मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोपापिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंदर चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं भौतिकी विषय में 12वीं कक्षा का वेव ऑप्टिक्स टॉपिक का वीडियो आपको अभी भेज रहा हूँ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इसका चौथा वीडियो भेजने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग इंटरफेरेंस डिस्कस करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसको समझने से पहले थोड़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक वेव है जिसका किसी समय पर डिस्प्लेसमेंट E1 है, ये दूसरा वेव है जिसका E2 है, किसी समय पर डिस्प्लेसमेंट एक ही जगह पर है, बट हम इसको अलग इसलिए दिखाएं कि आपको समझ में आ पाए। अब ये रिजल्टेंट हो गया E1 प्लस E2, क्योंकि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर पड़ रहा है और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट E1 प्लस E2 के बराबर। इसी को अगर हम दूसरे ढंग से देखते हैं, E1 है एक जगह पर डिस्प्लेसमेंट, E2 है उसी जगह पर, बट यहाँ पर क्रश दूसरे के ट्रप पे पड़ रहा है, तो रिजल्टेंट की जो विद्युत होगा वो घट जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी हम बता रहे हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। यहाँ फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, रिजल्टेंट वेव, रेफरेंस लाइन, ये क्या क्या है, कौन से कलर से हम दिखाए हैं, ये हम यहाँ दिए हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। ये मान लीजिए दो सोर्स है, S1 H2, दोनों सोर्स से लाइट निकल रहा है, दोनों आपस में मिल रहा है, तो दोनों के मिलने के कारण कहीं कहीं पर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे पड़ेगा, कहीं पर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे पड़ेगा। तो जहाँ पर क्रस्ट क्रस्ट पे पड़ रहा है या ट्रफ ट्रफ पे पड़ रहा है, तो वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पर क्रस्ट ट्रफ के ऊपर, मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे पड़ेगा, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जिसके कारण ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनता है, बैंड बन जाता है, जहाँ क्रस्ट ट्रफ जो है बैंड डार्क बैंड वगैरह जिस कलर से हम दिखाए हैं वहाँ पर हम शो किए हैं। अब इंटरफेरेंस बोलते किसको, इंटरफेरेंस उस फिनोमेनन को कहते हैं जिस फिनोमेनन के तहत एक वेव जो है दूसरे वेव के ऊपर इंटरफेयर करता है और जिसके कारण उनके एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं द फिनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव उस फिनोमेनन को कहते हैं जिस फिनोमेनन के तहत लाइट के एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। द फिनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, अब हम लोग इसी को आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोगों को थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस वेव्स पढ़ना है। तो सपोज कीजिए दो लाइट वेव है, एक का डिस्प्लेसमेंट हम E1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं A साइन ओमेगा टी से, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं B साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। A और B नियरली सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, एम्पलीट्यूड दोनों का नियरली सेम है, दोनों लाइट वेव के बीच का फेज डिफरेंस फाई का है। The wave with same speed, wavelength, frequency, time, period, nearly equal amplitude, traveling in the same direction with constant phase difference of phi. ठीक है, ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है वेव का, ए और बी एम्पलीट्यूड लिखे हुए, E1 इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसके इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का। इलेक्ट्रिक क्यों लेते हैं, क्योंकि जो लाइट होता है, लाइट का जो इफेक्ट होता है वो, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका जो लाइट इफेक्ट आता है वो आपका आता है ड्यू टू आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होता है उसके कारण। तो अगर हम लोग यहाँ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ई विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, ई की जगह ए साइन ओमेगा टी लिख दिए और E2 की जगह बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिए। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा आपका a प्लस बी कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाइव कॉस ओमेगा टी,
हम ए प्लस बी कॉस फाई को कैपिटल ए कॉस थीटा मान लेते हैं और बी साइन फाई को कैपिटल ए साइन थीटा मान लेते हैं। कैपिटल ए रिजल्टेंट लाइट का एम्पलीट्यूड है, तो हम लोगों को ई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई मिला, बट इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ए प्लस बी कॉस फाई जिसको हम ए कॉस थीटा माने हैं और बी साइन फाई जिसको हम ए साइन थीटा माने हैं उसी से मतलब है। उन दोनों को अगर हम यहाँ लिख लिख भी दिए हैं कि ई जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, थीटा रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर यहाँ नंबरिंग नहीं किए हैं ये दोनों इक्वेशन को, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई और ए साइन थीटा इक्वल टू बी साइन फाई को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो इधर ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो जाता है, और इधर से अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस टू ए बी कॉस फाइव प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। इसी तरीके से रिजल्टेंट टैन थीटा हम निकाल सकते हैं, बी साइन फाइव बाई ए प्लस बी कॉस फाइव, ये आप 11 में भी पढ़ चुके हैं। बी को हम डिजॉल्व करके दिखाएं, बी कॉस फाइव और बी साइन फाइव, रिजल्टेंट का फेज दिखा दिए। अब हम लोग इंटेंसिटी के बारे में देखते हैं। इंटेंसिटी जो होता है किसी भी लाइट का इंटेंसिटी वो प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी कि आई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव, क्योंकि ए जो था वो अंडर रूट में था, स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया। अब हम लोग को पढ़ना है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव अगर हम देखते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब फाई का वैल्यू प्लस वन हो, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, जब फाई का वैल्यू टू एन पाई होना चाहिए, है ना, टू एन पाई होना चाहिए, क्योंकि एन का वैल्यू अगर जीरो लेंगे तो कॉस जीरो इज वन, एन का वैल्यू वन लेंगे तो टू पाई आ रहा है ना, तो वो टू पाई आ रहा है, मतलब 360 डिग्री, इसका मतलब फिर वन हो जाएगा, एन का वैल्यू जीरो वन टू थ्री से लेना है। और आपको मालूम है पाथ डिफरेंस होता है, आप इन टर्म्स ऑफ देखना चाहेंगे तो लैम्डा बाई टू पाई इंटू टू पाई टू एन पाई हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा का आएगा, यानी कि जब जब फेज डिफरेंस होगा टू एन पाई का तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब जब फेज डिफरेंस होगा एन लैम्डा का सॉरी पाथ डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव का देखते हैं, डिस्ट्रक्टिव का मतलब इंटेंसिटी घटना चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड घटना चाहिए, ये कब पॉसिबल होगा, जब कॉस फाई का वैल्यू माइनस वन होगा। कॉस फाई का वैल्यू माइनस वन कब होगा, टू एन प्लस वन पाई ले लेंगे, एन का वैल्यू अगेन जीरो वन टू थ्री करके ले सकते हैं, टू एन माइनस वन भी ले सकते हैं हम, ये ध्यान रखिए। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस देखते हैं तो आएगा लैम्डा बाई टू पाई इंटू टू एन प्लस वन पाई, सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा आएगा टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। तो अगर पार्ट डिफरेंस होता है टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, मतलब ऑड मल्टीपल होता है लैम्डा बाई टू का, और फिर तो हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और फिर डिफरेंस टू एन प्लस वन पाई, ये भी ऑड ही आएगा। इंटेंसिटी मिनिमम होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला बड़े काम के हैं, आपको काम आएंगे। कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी को कंपैरिजन करते हैं तो आई मैक्स हमारा आया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आई मीन आया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर बाई ए माइनस बी का स्क्वायर होगा, यानी कि ए बाई बी प्लस वन का स्क्वायर ए बाई बी माइनस वन का स्क्वायर, ए बाई बी को हम आर लिखेंगे तो आर प्लस वन का स्क्वायर, और ए बाई बी को हम आर लिख रहे हैं एम्पलीट्यूड रेशियो तो आर माइनस वन का स्क्वायर, अगर गलती से इसको वन माइनस आर का स्क्वायर भी बोल देंगे तो गलत नहीं है, वेयर आर इज एम्पलीट्यूड रेशियो विच इज इक्वल टू ए बाई बी। रिलेशन अगर हम सबके बीच का देखना चाहते हैं, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विथ ऑफ द स्लेट, तो हमको क्या मिलेगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ विथ होता है, यानी कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथ हो जाएगा, तो आई वन बाई टू इक्वल टू ए वन बाई ए टू का स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू।
करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मैं YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का वीडियो लेकर के आऊँगा अगले दिन। धन्यवाद।